हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है दिस इज 40। इस मूवी को 2012 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 5.9 की रेटिंग दी गई है। मूवी की कहानी पिट और डेवी नाम के एक 40 साल के कपल के रिलेशनशिप को दर्शाती है। साथ ही हम इस मूवी में यह भी देखेंगे कि शादी के बाद से अब तक उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उन्हें अपने जीवन में किन किन उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम पिट और डेवी को देखते हैं जो कि शावर लेते हुए इंटीमेट हो रहे होते हैं। पिट डेवी को बताता है कि आज उसने वाइग्रा लिया है, इसलिए वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है। पर यह बात डेवी को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। डेवी को लगता है कि अब वो पिट को अट्रैक्टिव नहीं लगती, इसलिए उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए वाइग्रा लेना पड़ रहा है। इस पर पिट उसे समझाता है कि बढ़ती उम्र के साथ जोश में कमी होती है, लेकिन डेवी ऐसा नहीं मानती। उसे लगता था कि पिट के ज्यादा जंक फूड और मीठा खाने के कारण ऐसा हो रहा है। आज डेवी का बर्थडे है और वो अब 40 साल की हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सभी को अपनी उम्र कम ही बताती है क्योंकि वो इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं दिखना चाहती। दूसरी ओर पिट की उम्र भी अब 40 हो चली है और उसका भी इसी वीक में जन्मदिन आने वाला था। इन दोनों की दो बेटियां भी हैं, जिनमें से एक का नाम सेडी है जो कि एक टीनेजर है और दूसरी का नाम चार्लोट है जो कि 8 साल की है। इन दोनों बहनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। उम्र बढ़ने के साथ दोनों के बीच टकराव होने लगता है। वो हर छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं और साथ ही उनकी पसंद में भी बदलाव आने लगता है। डेवी को जिस तरह का म्यूजिक पसंद था, पिट को उस तरह का म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसको लेकर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर एक दिन जब डेवी अपनी शॉप पर जाती है तो उसे पता चलता है कि सेल्स स्टॉक में से $12,000 गायब है। तो वो अपनी शॉप पर काम करने वाली दो लड़कियों में से एक, जिसका नाम जोडी था, से इस बारे में पूछताछ करती है। तो वो डेवी को बताती है कि यह चोरी डेजी ने की है, पर डेवी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि जेडी अपना काम बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ करती थी। दूसरी तरफ पिट का भी एक म्यूजिक का स्टोर होता है जहां वो पुराने गाने बेचा करता था, पर आजकल उसका काम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ पुराने सिंगर्स को बुलाता है, पर उसका यह प्लान भी फेल हो जाता है और बिजनेस में लॉस होने के कारण वो अपनी EMI भी समय पर नहीं भर पाता। उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे अपना घर बेचने की नौबत आ जाती है, पर वो यह बात डेवी को नहीं बताता है क्योंकि वो उसे टेंशन नहीं देना चाहता था। अगले दिन डेवी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने और परिवार में खुशियां वापस लाने के लिए कुछ रूल्स बनाती है, जैसे वो दोनों साथ में योगा करेंगे, पिट को मीठा खाना छोड़ना होगा, डेवी को सिगरेट पीना बंद करना होगा, वो दोनों अपनी बेटियों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करेंगे, साथ ही पिट को अपने डैड को पैसे देना बंद करना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे मांगा करते थे। उसी रात शॉप पर लगे CCTV कैमरा की फुटेज चेक करते हुए डेवी पिट को बताती है कि उसकी शॉप में से $12,000 गायब है और उसे डेजी पर शक है, पर वो उस पर बिना सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि उसी की वजह से सेल्स काफी अच्छी होती थी। तभी वो CCTV कैमरे की फुटेज में देखती है कि डेजी अपने कुछ कस्टमर्स के साथ शॉप में ही इंटीमेट हो जाती है, लेकिन इस सबसे डेवी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगले दिन पिट अपने डैड से मिलने जाता है जिनके 3 और बच्चे थे। पिट उन्हें बताता है कि अब वो उन्हें और पैसे नहीं दे सकता, तो उसके डैड उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं और पिट को मजबूरन उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। पिट ये बात भी डेवी से छुपाता है। दूसरी तरफ डेवी भी अपने फादर से मिलने जाती है जिसने डेवी की माँ को कई साल पहले छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी और वो डेवी से 7 साल बाद मिल रहा था। कुछ दिनों बाद डेवी अपनी बेटियों को बताती है कि वो घर का खर्च कम करने के लिए वाईफाई निकलवा रहे हैं और अब कंप्यूटर भी दिन में सिर्फ 30 मिनट ही चलाया जाएगा। यह सुनकर उसकी बड़ी बेटी शेडी बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर पर ही बिताती थी। इस सिचुएशन से वो दोनों काफी ज्यादा तंग आ गए थे और अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो दोनों वीकेंड पर घर से दूर एक रिजॉर्ट में आ जाते हैं। पिट डेवी को बताता है कि वो अपने साथ कुछ नशीली गोलियां लेकर आया है जिन्हें खाकर वो दोनों
काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं और सेक्स भी करते हैं। फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं और उनकी बोरिंग लाइफ दोबारा शुरू हो जाती है। एक दिन जोडी डेबी को बताती है कि डेजी ने कुछ महंगे कपड़े और एक कार खरीदी है और उसने यह सब शॉप से चोरी हुए पैसों से ही खरीदा होगा। अब डेबी को डेजी पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। फिर वो डेजी से उसके महंगे कपड़ों के बारे में पूछती है तो वो कहती है इन्हें उसने घर पर ही बनाया है। तभी डेबी डेजी के ब्रेस्ट को देखती है जो कि काफी ज्यादा बड़े थे। उसे लगता है कि डेजी ने कोई महंगा ऑपरेशन करवाया होगा। तब डेजी उसे बताती है कि नहीं, ये नेचुरल है। उसी दिन सैडी अपनी एक फ्रेंड को लेकर घर आती है और उनसे वाईफाई ऑन करने की परमिशन मांगती है, जिस पर डेबी उसे मना कर देती है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। डेबी सैडी से उसका मोबाइल और कंप्यूटर छीन लेती है, जिससे नाराज होकर सैडी वहां से चली जाती है। रात में जब पिट और डेबी सैडी का मोबाइल चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सैडी के स्कूल का एक लड़का जिसका नाम जोसेफ होता है, वो सैडी की फोटोज पर काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट करता है। तभी पिट को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इस बार एल्बम्स और भी ज्यादा कम बिके हैं, यानी कि पिट का बिजनेस और भी ज्यादा लॉस में चल रहा है। लेकिन पिट यह बात भी डेबी से छुपा लेता है। पर अगले ही दिन डेबी को अपने सीए से यह बात पता चल जाती है कि पिट का बिजनेस लॉस में चल रहा है और वो अभी भी अपने डैड को पैसे देता है। इसके बाद डेबी डॉक्टर के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बात को लेकर परेशान हो जाती है। अगले दिन डेबी और पिट सैडी के स्कूल में एक प्रोग्राम में जाते हैं। यहां डेबी पिट से पूछती है, क्या तुम दो से ज्यादा बच्चे चाहते हो? तो पिट कहता है, मुझे तो एक ही बच्चा चाहिए था, पर दो भी ठीक है, लेकिन तीसरा बच्चा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। यह सुनकर डेबी प्रेगनेंसी की बात पिट से छुपा लेती है। वो दोनों जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो डेबी को स्कूल के कैंपस में ही वही लड़का जोसेफ दिखाई देता है, जो सैडी की फोटोज पर नेगेटिव कमेंट करता था। डेबी उसके पास जाकर उसे धमकाती है, जिससे जोसेफ डर जाता है और रोने लगता है। इसके बाद डेबी वहां से चली जाती है और उसी रात डेबी डेजी को लेकर एक क्लब में जाती है। यहां वो दोनों काफी मजे करते हैं। एक लड़का डेबी को सिंगल समझकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए पूछता है। तो डेबी उसे बताती है कि वो शादीशुदा है और वो उसके साथ यह नहीं कर सकती। फिर डेबी डेजी के पास जाती है और उससे शॉप में हुई चोरी के बारे में पूछती है, तुम्हें कुछ पता है क्या? तो वो साफ मना कर देती है। फिर डेबी कहती है कि तुम्हारे पास इतने महंगे महंगे कपड़े कहां से आते हैं, इसका राज क्या है? तब डेजी उसे बताती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और वो पैसों के बदले में लोगों के साथ इंटीमेट होती है। साथ ही वो यह भी बताती है कि शॉप में चोरी मासूम सी दिखने वाली जोडी ने की है, क्योंकि वो ड्रग्स भी लेती है। यह सुनकर डेबी शॉक्ड रह जाती है और फिर वो अपना भी सीक्रेट डेजी के साथ शेयर करती है और उसे प्रेगनेंसी की बात बता देती है। वो कहती है कि मैंने यह बात पिट को अभी तक नहीं बताई है। तो डेजी कहती है कि तुम उसे यह बात उसके साथ इंटीमेट होते हुए बताना। यह सुनकर वो खुशी से उछल पड़ेगा। रात को डेबी इसी इरादे से पिट के पास जाती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता, जिससे डेबी उससे नाराज हो जाती है। पिट पहले से ही अपने बिजनेस को लेकर काफी परेशान होता है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अगले दिन पिट जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है तो जोसेफ की माँ उसे रोककर उससे डेबी की कंप्लेन करती है, जिससे पिट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगता है। जोसेफ की माँ स्कूल की प्रिंसिपल से पिट और डेबी की कंप्लेन कर देती है। इधर डेबी जोडी से मिलकर उससे सच उगलवा लेती है कि चोरी उसी ने की है, फिर उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी उसे स्कूल की तरफ से मैसेज आता है और अगले दिन पिट और डेवी प्रिंसिपल से मिलने स्कूल जाते हैं। जोसेफ की माँ उन दोनों पर उसे और उसके बेटे को गंदी गंदी गालियां देने का इल्जाम लगाती है, लेकिन वो दोनों इतने मासूम शक्ल बना लेते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। इससे जोसेफ की माँ काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो उन दोनों के साथ साथ प्रिंसिपल को भी गालियां देने लगती है। यह देखकर प्रिंसिपल उन दोनों को मासूम समझकर घर भेज देती है। और कुछ दिनों बाद जब सैडी को पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने उसका मोबाइल चेक कर जोसेफ को धमकाया था, तो वो उनसे इस बात को लेकर झगड़ा कर लेती है। अगले दिन पिट की बर्थडे पार्टी होने वाली थी, इसलिए वो दोनों बात करते हैं कि उनके बीच झगड़े उनके पेरेंट्स की वजह से होते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो उनके बीच भी झगड़े नहीं होंगे। और वो दोनों यह डिसाइड करते हैं कि वो कल का पूरा दिन पॉजिटिव रहेंगे। अगले दिन
पिट की बर्थडे पार्टी में काफी सारे लोग आते हैं और इनमें पिट के फादर लेरी और डेबी के फादर ओलिवर भी शामिल होते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही सभी लंच करने के लिए साथ में बैठते हैं तो ये लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। लेरी ओलिवर से कहता है कि तुम 7 साल से कहाँ थे और जब तुम इतने ज्यादा अमीर हो तो इनकी मदद क्यों नहीं करते। यह बात डेबी को अच्छी नहीं लगती और वो लेरी से कहती है कि आप भी पिट से पैसे मांगना बंद क्यों नहीं कर देते। पेरेंट्स की लड़ाई में अब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब पिट और डेबी में फिर से झगड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद पिट केक कट करता है और डेबी छुपकर सिगरेट पीने लगती है, पर उसकी बड़ी बेटी सेडी उसे सिगरेट पीते हुए देख लेती है। तभी डेबी की एक फ्रेंड के मुंह से गलती से यह निकल जाता है कि प्रेगनेंसी में सिगरेट पीना गलत है और उसकी यह बात पिट के साथ साथ सारी फैमिली सुन लेती है। पिट यह सुनकर डेबी से गुस्सा हो जाता है और अपनी साइकिल लेकर घर से निकल जाता है और डेबी भी ओलिवर से झगड़ने लगती है। वह कहती है अगर आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते तो आज मेरी लाइफ भी सेट होती। तब ओलिवर कहता है कि बेशक मेरे पास पैसा है पर मैं भी खुश नहीं हूँ। मेरा बेटा ड्रग्स लेता है और मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करती। मैं एकदम अकेला हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया था कि तुम लोगों के साथ कुछ समय बिता सकूँ। यह सुनकर डेबी ओलिवर को माफ कर देती है और फिर डेबी ओलिवर को कुछ और देर अपने घर पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे पिट को ढूंढने के लिए जाना था। इसके बाद वो लेरी के साथ पिट को ढूंढने के लिए चली जाती है। पिट गुस्से में था इसलिए वो काफी तेज साइकिल चला रहा होता है। तभी एक आदमी अचानक से अपनी कार का दरवाजा खोल देता है जिसके कारण पिट का एक्सीडेंट हो जाता है और पिट उसके साथ झगड़ा करने लगता है, पर वो आदमी अपनी गलती मानने के बजाय पिट के फेस पर ही जोर से एक मुक्का मारकर वहां से भाग जाता है। लेरी और डेबी जब पिट को देखते हैं तो उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में लेरी और डेबी अपने आपसी मनमुटाव दूर करते हैं। लेरी डेबी से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा परिवार बना हुआ है। इसके बाद डेबी पिट से मिलने जाती है और उससे सॉरी बोलती है। पिट बोलता है कि वो तीसरे बच्चे को लेकर खुश है, बस वो इसलिए नाराज था क्योंकि उसने यह बात उससे छुपाई थी। और रही बात फाइनेंशियल कंडीशन की, तो हम अपने बड़े घर को बेचकर किसी दूसरे छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद से उन दोनों के रिलेशन में काफी ज्यादा सुधार आता है और वो लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपकी कोई फेवरेट फिल्म है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जल्द ही उसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने यह चैनल फिल्मों की स्टोरी और उनके एक्सप्लेनेशन पर शुरू किया है और आपसे निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें और यदि पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।